के सपने जब लेंगे उतारियां। मम्मी मेरा फारम, ये ले फारम। कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे यही मरो। तेजो को नहीं जाना है ना बॉल में? ठीक है ना जाए, मैं बॉल में जरूर जाऊंगी। चल दिलराज, बंटे की दुकान से एक और फार्म प्रिंट करा के लाते हैं। ओए, कान खोल के सुन लो सारे, जाएंगी तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं। समझ में आया? सॉरी जैस्मिन, मैं तू पागल है क्या तेजो? इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? और फिर सबको आके अपनी अपनी लाइफ जीने का, अपने सपने पूरे करने का, तू कब तक ऐसे मेरा ख्याल रखती रहेगी? हाँ ऐसा नहीं है जैस्मिन, ऐसा ही है तेजो, ऐसा ही है। बचपन से लेके आज तक सिर्फ दूसरों की उंगलियां पकड़ के यहाँ तक पहुंची हूँ मैं, कभी अपने बल पे कुछ किया ही नहीं। सपना भी देखा तो मम्मी का दिखाया हुआ। मुझे लगा था 2 साल बॉल में लगातार फेल होने के बाद इस बार तो किला फतेह कर देना है मैंने, क्योंकि तेजो जो है मेरे साथ। लेकिन नहीं जस्सू, मुझे तेरे कनाडा जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई स्वेयर। तुझे कनाडा जाना है ना, तू जा, पर अपने बलबूते और अपनी काबिलियत पे जा जस्सू। मैं नहीं चाहती कि तू या कोई भी लड़की इस तरह से उन लड़कों के सामने जाकर परेड करे कि जी प्लीज मुझसे ब्याह कर लो। क्यों? कि मैं वेल मैनर्ड हूँ, खूबसूरत हूँ, पंजाबी के साथ साथ इंग्लिश भी शाह बोलती हूँ, और वहां जाके आपके बच्चों को पंजाबी कल्चर भी सिखाऊंगी। क्यों जस्सू, क्यों इतना गिरे हम, क्यों लगाए अपनी नुमाइश सिर्फ एक कैनेडा जाने के लिए? सबनू लगता पता नहीं केड़े सुरखाब दे पर लगे हुए ने कनाडा च। ऐसा नहीं है जस्सू, वहां तुझे कोई मेम साहब वाली जिंदगी नहीं मिलेगी। वहां ना कोई नौकर चाकर नहीं होते हैं, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब खुद करना पड़ेगा। सपने देखने का कोई मोल नहीं होता ना, लेकिन सपने पूरा होने का हुंदा है। एक बंदे को किस किस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है सपने पूरे करने के लिए। खैर तू नहीं समझेगी, समझ तू नहीं रही है जस्सू। बहन हूं मैं तेरी, तेरा अच्छा चाहती हूँ। मैं नहीं देख सकती तुझे ऐसे किसी के साथ ब्याह करते हुए। मैं चाहती हूँ मेरी बहन जिससे ब्याह करे वो लड़कों से किसी मतलब से नहीं, उसे दिल से प्यार करे। मैंने कहा था ना तू नहीं समझेगी। तू क्या सुनना चाहती है तेजो, कि मैं अपने बलबूते पे अपनी काबिलियत पे कनाडा जाऊं? है ना, तो सुन, तू जा सकती है अपने बलबूते पे अपनी काबिलियत पे, लेकिन मैं नहीं। मेरे पास ब्याह करा के कनाडा जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है तेजो, और वो रास्ता भी अब पता नहीं है नहीं है क्या हो। लेकिन तू मेरी चिंता मत कर, और वैसे भी तू कब तक ऐसे मेरा ख्याल रखती रहेगी? हाँ तू मेरी फिक्र मत करना, अब मैंने अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। रब ने कुछ तो अच्छा लिखा होना है मेरी किस्मत में। तेरे सपनों की दुनिया आज से सब अपना अपना, जिंदड़ी के सदके दिल भर है मेरा। वारियां वारियां जान वारियां, वारियां वारियां जान वारियां।
आना पड़ा ना मेरे पास। तेरे को क्या लगता है ये लिख पाएगा? ए फतेहवीर, तू है माचू टाइप बंदा, चैंपियन। ये लेके तेरा ये भाई है ना, ये लड़कियां बढ़ाने में चैंपियन है। तेरा काम यही कर। लिख दिया, भेज देना भाभी को। तेनू देख के दिल करदा है डिंग डिंग डिंग, तू मेरी दीपिका मैं तेरा रणवीर सिंह। ओए मान ले मेरी गल, पा ले मेरे नाल यारी, वरना मरेगी पूरी जिंदगी कुवारी। तो दिमाग खराब है तेरा, शादी से पहले मेरा डिवोर्स कराएगा? ओ, कुछ नहीं होता फतेहवीर, भेज दो। आप नहीं तो मैं भेज देता हूँ। अमरीक तेरा कुटापा हो जाएगा अगर भेजा तो तूने। ओए अमरीक फोन दे दे मेरा, छटा करी तेनू। आ जाओ फोन ला लो। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते। अपनी फोन दे दे मेरा, मैं नहीं दे रहा, आ जाओ। दस दिके ते हो गया? अरे पकड़ से नहीं। अपनी फोन, तुम भी देख लो, हट नहीं रहे। बीजी देख लो, मेरा फोन ही गया नहीं। ओए माही, अंकल जी कितने हैं? चले है मेरे बच्चे। ओ मम्मी जी, बच्चा तो सिर्फ मैं ही हूँ, फतेहवीर तो फुल ऑन गबरू जवान हो गया है। शादी की उम्र हो गई है मेरे वीर भी। सच में लड़की है कोई तेरी निगाह में? ओ बीजी यार, मैं दिखाता हूँ जी फोटो, ये देखो ये देखो। तेरी सीज़ फायर। ओ बाबूजी। अरे बेबी जान, ये देखिए मैं आज आपके लिए क्या क्या बना कर लाया हूँ। क्या बना के लाए हो भाई? अरे मक्की दिया रोटियाँ और सरसों का साग। खुशबू तो बड़ी कैंट आ रही है। लटूरे आ बैठ जा। ओ माही आ जा, इसमें खा ले। चलो मम्मा बैठ जाओ, आ जाओ। तेरे पापा आ ले ना। ओ मम्मा यार संडे है आज, बैठो ना यार। बीजी बोलो ना। तू बैठ गुरप्रीत, पता नहीं आज संडे है, तेनू संडे का रूल नहीं पता? है रूल संडे का नहीं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर नक्षत्र सिंह वीर का रूल है ये। संडे के दिन इस घर के सभी मर्द खाना पकाएंगे और घर की औरतें आराम से बैठ के सुकून से खाना खाएगी। क्या बात है, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। बेटा सबर करो सबर करो, पहले भोग तो लगा ले। ओए ओए ओए, बाबूजी की आशिकी। मर जाओ। क्या दीवाना होता है, मस्ताना होता है। क्या कहने ब्रिगेडियर साहब, वही स्वाद, वर्ड का नंबर वन साहब। आप भी तो वर्ड्स बेस्ट हैं। वो तो मैं हूँ। कोई हाथ लगाएगा? हाँ पापा आया। ओए आ खुशबीर बेटा, आ। बन गई तेरी बिरयानी? जी बाबू जी। गुरप्रीत बैठो बेटा, कर्ची नीचे रखो। आज ये तेरे पे रोब झाड़ने वाला तेरा पति नहीं है, मेरा पुत्र है। बैठ जा बेटा, चल बेटा बरता सारे नू। रोज संडे होता तो कितना अच्छा होता ना। पापा की शक्ल देख। अगर बाहर पता चल गया कि संडे को घर के सारे काम मैं करता हूं तो अगली बार खुशबीर सिंह एमएलए को कोई वोट नहीं देगा। खोतिया, बल्कि इससे ज्यादा मिलेंगी तेरे को वोटे, और वो भी लेडीज की। मैं तो साग ही खाऊंगी।
जब मेरा परिवार ऐसे इकट्ठे बैठ के खाना खाता है ना, बाय गॉड मेरी तो खुशी दुगनी हो जाती है। पापा जैस्मिन वो नहीं आएगी, गई थी उसको बुलाने के लिए, दरवाजा बंद करके बैठी है, बोल रही है मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाओ, वैसे भी आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, पर जाइए जी मेरे लिए भी रोटी मत बनाना, मेरा भी मन नहीं है खाने का। रहने दे लवली, मुझसे नहीं खाया जाएगा। बीजी आपसे तो क्या, किसी से भी नहीं खाई जाएगी रोटी। चली गई है वो बिना खाए, अब पड़ गई ठंड कलेजे में। जैस्मिन दरवाजा खोल। जस्सू ये क्या तरीका है? जस्सू मैं तीन तक गिन रही हूं, अगर तूने तीन तक दरवाजा नहीं खोला ना तो सच्ची मैंने दरवाजा तोड़ देना है। एक, दो, तीन। जैस्मिन हर बार का यही ड्रामा होता है, अभी सब यहां भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये मैडम ना मजे से कुछ ठूस रही होनी अपनी फ्रेंड के साथ, चटकारे ले लेकर। ओहो हो, बड़ा कैन स्वाद बना है, वर्ल्ड का बेस्ट साग। थैंक यू। बिरयानी भी अच्छी है, खा रहा हूं मैं। साग ही बेस्ट है, स्वाद ही आ गया बाबूजी। भाई बेस्ट हो भी क्यों ना, वो रेसिपी मैंने अपने दोस्त दिलबाग से ली थी और उसी दिन रेसिपी को प्यार भरी चिट्ठी में लेकर आपकी बीजी को भेजा था। वो रेसिपी क्या थी? वो तो साग की खुशबू में लिपटा हुआ एक प्रेम पत्र था। ओए बल्ले ओए बल्ले, क्या बल्ले ओए, चिट्ठी में साग की रेसिपी, कुछ भी। भाई क्या जमाना था वो, आजकल के बच्चे तो मोबाइल पे टुक 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 लगे रहते हैं। जिंदगी में इश्क का असली मजा तो चिट्ठियों में है। आए ब्रिगेडियर साहब, आपकी वो चिट्ठियां तो मैंने अभी तक भी संभाल के रखी हुई है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अबूजो मिल गया आइडिया, अब देख कैसे पढ़ाता हूँ तेरी भाभी नू। ओ नहीं यार सिम्मी, तू नहीं समझ रही है, मैं तेजू को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे समझ नहीं आता उसके बिना लाइफ में मैं क्या करूंगी। आखिर बचपन से लेके अब तक उसी ने तो संभाला है ना मुझे, हर बार हर वक्त हर समय मुसीबत बाद में आती थी मुझ तक, तेजो पहले खड़ी होती थी सलूशन लेकर,
उसने काफी सारी खुशियों की कुर्बानी दी है मेरी खुशी के लिए। और तुझे पता है जब हम दोनों छोटे थे ना तो बैसाखी मेले के गिद्दे कंपटीशन में हिस्सा लिया था हम दोनों ने। और तुझे पता है पहला इनाम क्या था? वो हेडफोन वाला वॉकमैन। बड़ी तैयारियां की थी मैंने उस कंपटीशन के लिए और उससे भी ज्यादा उस वॉकमैन के लिए। पर कंपटीशन जीता तेजो ने। तेजो भी बड़ी खुश थी वॉकमैन जीत के। लेकिन जब उसने मुझे रोते हुए देखा ना तो उसने कहा ये ले जस्सू तू रख ले। और तुझे याद है जब एक बार मुझे फील हो गया था। ओ हाँ तेरी कितनी बुरी हालत हुई थी। तेजो का मैथ्स का पेपर था अगले दिन, वो भी 12वीं का। जब तक तेजो और पापा डॉक्टर बेदी के घर पहुंचे तो पता चला कि भाई वो तो आधे घंटे पहले चंडीगढ़ के लिए निकल गए। फिर क्या, तेजो भाग के गई गुप्ता अंकल के घर। गुप्ता अंकल को उठाया, उनकी गाड़ी में बैठी और फटाफट आधे रास्ते से डॉक्टर बेदी को वापस लेकर आई। बिचारी पढ़ भी नहीं पाई सही से। सारी रात मेरे साइड में बैठ के सुखमन साहब का पाठ कर रही थी। मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी सब तेजो ही सिलेक्ट करती है यार। मैं कुछ नहीं कर सकती तेजो के बिना। जीरो राउंड। लेकिन अब करना पड़ेगा। मैं जाऊंगी वॉल में सिमी और कल ले जाऊंगी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास यार। एक रास्ता है, वो जो मैंने तुझे बताया था, वो मेरी कजन पिंकी कनाडा के लड़के से झूठी शादी का सर्टिफिकेट। तो उस पे गलत क्या है? पिंकी नहीं पहुंच गई वैनकूवर। ओ मेरा भी सर्टिफिकेट बनवा दे यार। वीजा लग जाएगा ना? 2 मिनट में। अब यही करना पड़ेगा। तू अपने बंदे से पूछ और फटाफट मुझे बता क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कल ही ये सवेरे काम करते हैं। मैं जल्दी तेरा काम करवाऊंगी। जब सपने हाथ से छूटने लगते हैं तो हम वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो सिर्फ मुश्किल ही नहीं गलत भी हो। अब आगे आगे देखो होता है क्या। दादा पूरी करेगा लव स्टोरी ऑफ हिज पोता।
बेबे वो खबर आई है कि वो नहर वाला पुल नहीं है रात को गिर गया, अब दूसरे पिंड से होके जाना पड़ेगा शहर को। और पाजी नाश्ता नहीं, ठहर के अब तेजो जैस्मीन अब दिलाज बेटा जा अपनी बहनों को उठा, उन्होंने कॉलेज नहीं जाना आज। मन दादा ओहो ओ मेरी बात तो सुन यार, पराठे नहीं दे रहे। मम्मी ने पहली बार सैंडविच की जगह पराठे दिए हैं और साथ में ताने भी मारे हैं। दिलराज अब नहीं मिलना तुझे सैंडविच सैंडविच, अब क्योंकि तूने इंडिया में ही रहना है, खा पराठे। चल कोई ना, तेजो दीदी की वजह से पराठे तो मिल गए। प्यारी पे जी अंदर रहा फिर जी प्यारी नवराज। चाचा जी आज जाइए जरा, वो तेजो और जैस्मिन को बोलियो मैं बुला रहा हूँ। तेजो दीदी वो तो सवेरे सवेरे निकल गई और जैस्मिन दीदी वो तैयार बैठी है, पता नहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रही है अपने कमरे में। जैस्मिन ओ मम्मी। हाँ मेरी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहाँ है? सुबह से सारे रूम में देख लिया, कहीं भी नहीं है। सुबह सुबह इतना काम है, क्यों सर खा रही है? क्या करने तुझे सर्टिफिकेट अपने? बताओ ना। मुझे नहीं पता कहाँ है, पहले बता क्या करने है। काम है कुछ। बता रही है कि लगाओ एक कान के नीचे। मम्मी यार वीजा के लिए चाहिए, अब बताओ। और क्या करना वीजा जब खसमानू खाना कहीं जाना ही नहीं है तो? और वैसे भी ना पंजाब के पिंडों में जाने के लिए ना वीजे नहीं लगते, पर कैनेडा जाने के लिए तो लगता है। मैंने अपने फॉर्म पे साइन कर दिए मम्मी, जैस्मिन से भी करवा लेना। और सारे डिटेल्स ध्यान से भरना। अब पकड़ो भी, मैं कॉलेज भाग रही हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। चंडीगढ़ जाने के लिए लीव एप्लीकेशन भी डालनी है ना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.